संभल आपका शहर, आपके शहर की आवाज। मैं आफताब हुसैन, शहर इमाम संभल, अपील करता हूँ कि इस वक्त कोरोना वायरस से एहतियात के लिए, जैसा कि मेडिकल गाइडलाइंस है और शासन और प्रशासन के आदेश, हम लोगों को हमारे लिए फ़ायदेमंद है कि इधर उधर ना जाएं और एहतियात के तौर पर अपने घर पर ही नमाज़ पढ़ें, शब बारात के मौके पर अल्लाह से दुआ करें और अपना साफ सफाई सुथराई का ख्याल रखें, हाथों को बार बार धोएं और मास्क लगाएं और अपने करीब पड़ोसी कमज़ोर लोगों का ख्याल रखें जो हद तक उनकी मदद हो सके, और पक्षी जानवर ये भी अल्लाह की मखलूक है, जहाँ तक हो सके हम इनके लिए भी जो हम पर है उनका हक, हम उन्हें भी दाना और पानी का ख्याल रखें। यही सब हमारी ज़िम्मेदारी, अल्लाह तबारक व तआला हमारे मुल्क को, हमारे सब लोगों को अमन व अमान, खलूस और मोहब्बत, अल्लाह इस मर्ज से महफूजियत अता फरमाए और इधर उधर की बातों पर और किसी भी गलत अफवाहों पर ध्यान न दें, आपसी भाईचारे को कायम रखें, कब्रिस्तान पर न जाएं बल्कि घर पर ही अपने नमाज पढ़ें। का अनुपालन कराया जा रहा है, इसी के मद्देनजर जितने भी त्योहार पर्व धार्मिक उत्सव या नमाज वगैरह की स्थिति, जुमे की नमाज की स्थिति होती है, उन सभी से अनुरोध करके सभी का अनुपालन कराया जा रहा है कि अपने घरों में रहें, बाहर निकल के सामूहिक रूप से कोई पूजा या नमाज अता नहीं करें और सब अपने घरों में रहें। जो भी कार्यक्रम है वो निजी रूप से अनुपालन करें। इसी में आने वाले समय में जो शबे बारात है, जो रात में कब्रिस्तान में जाकर के अपने बुजुर्गों की इबादत करते हैं, उनसे भी सभी मौलानाओं के द्वारा ये अपील कराई गई है और सभी मौलानाओं ने अपील की है, धर्मगुरुओं ने अपील की है कि अपने अपने घरों में रहें, निजी तौर पे अपने बुजुर्गों की इबादत करें, अपने घरों में ही फातिहा पढ़ें और बाहर निकल करके सामूहिक रूप से कोई उत्सव नहीं मनाएं, ना ही फील्ड में जाएं, जिससे लॉकडाउन का पूर्णतया अनुपालन कराया जाए। आपका जीवन महत्वपूर्ण है और उसको बचाने में हमारा सहयोग करें, यही अपील की जा रही है और लगातार हम आपके चैनल के माध्यम से भी अपील करना चाहते हैं कि आपका जीवन अमूल्य है और उसको बचाने में पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, बाहर मत निकलें, भीड़भाड़ वाले स्थान पर मत जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अनावश्यक रूप से घूमें नहीं, अपने घरों पर रहें, कोई भी पूजा इबादत नमाज सब अपने घरों में करें, व्यक्तिगत रूप से करें, आपके जीवन को बचाने के लिए हमारा सहयोग करें। इस जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए जरूरी कदम उठाने की जरूरत है, इसलिए हाथों को अच्छी तरह से धोएं और हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें। संभल आपके शहर की इस पहल को शेयर करें।